हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 45x48। जो इसकी फ्रंट है वो हमारी 45 फीट 4.5 इंच है और जो इसकी डेप्थ है वो हमारी 48 फीट है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 BHK सेट। हमें इसमें 3 बेडरूम बनाने हैं जो कि हमने बना दिए। सबसे पहले हमारा मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। जैसे आप यहाँ से एंट्री करते हैं आपको सामने देखने को मिलता है पोर्च, जिसका साइज़ हमने दिया है 10 फीट बाय 20 फीट 9 इंच का। हमने पोर्च बनाया हुआ है। मेन गेट से एंट्री करते ही आपको राइट साइड में देखने को मिलती है 4 फीट की वाइड है। यहाँ से ये पैसेज है, यहाँ से आप आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलती है WC। इसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दे दिया है। इस WC का साइज़ हमने 3.5 फीट बाय 5 फीट की WC बनाई हुई है। अगर बात करें इसमें वेंटिलेशन की तो उसके लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। अब आगे चलते हैं। जैसे आप आगे जाते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 3.5 फीट का जो डोर दिखता है वो आपको ड्राइंग रूम में लेकर जाता है। इस ड्राइंग रूम का हमने साइज़ दिया है 12 फीट बाय 14 फीट का। हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है 5 फीट की विंडो जो कि हमने वेंटिलेशन के लिए लगा दी है। अब हम अंदर हाउस में अंदर चलते हैं तो इस डोर से हम अंदर एंट्री करते हैं। जैसे आप एंट्री करते हैं आपको देखने को मिलती है लॉबी, जिसका साइज़ हमने दिया है 15 फीट 6 इंच बाय 20 फीट 9 इंच की। हमने ये लॉबी बना दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया है किचन, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है 2.5 फीट का। इस किचन का हमने साइज़ दिया है 7 फीट बाय 9 फीट 9 इंच की। हमने ये किचन बनाई हुई है और इसमें हमने एल साइज़ की स्लेब भी डाली हुई है। बात करें अगर इसमें वेंटिलेशन की तो उसके लिए हमने ये एक विंडो ये रही और दूसरी विंडो ये रही यहाँ पर लगा दी है। ये दोनों विंडो हमने किचन के वेंटिलेशन के लिए लगाई हुई हैं। लॉबी के वेंटिलेशन के लिए हमने डोर के बराबर में यहाँ पर छोटी सी विंडो लगा दी है ताकि यहाँ से लॉबी का वेंटिलेशन भी होता रहे। लॉबी के सामने यानी कि इस साइड हमने बना दिया स्टेयरकेस, जो कि हमने घुमावदार स्टेयरकेस दिया हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत बनने के बाद लगेगा। ये हमने 4 फीट का स्टेयरकेस दे दिया है जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाएगा। अब बात करते हैं बेडरूम की। इनकी रिक्वायरमेंट थी 3 BHK सेट। हमें इसमें 3 बेडरूम बनाए थे तो एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने इसमें 3 बेडरूम बना दिए हैं। ये हमारा पहले बेडरूम का डोर है। इसका साइज़ हमने बेडरूम का दिया है 12 फीट बाय 15 फीट 9 इंच का। हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें अलमीरा भी देखने को मिलती है जो कि हमने साइड में बना दी है। उसके बाद अगर बात करें इसमें वेंटिलेशन की तो उसके लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम पर। ये हमारा सेकंड बेडरूम का डोर है, इसमें करते हैं एंट्री। इस बेडरूम का हमने साइज़ दिया है 13 फीट बाय 15 फीट का। हमने बेडरूम बनाया हुआ है और इसमें भी हमने साइड में अलमीरा दे दी है और वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो इसमें लगा दी है। और एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने इसमें ड्रेस भी अटैच कर दिया है। ये हमारी ड्रेस है, ड्रेसिंग एरिया है और इसी से हमने अटैच की हुई है टॉयलेट। इसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। टॉयलेट का साइज़ हमने दिया है 7 फीट 3 इंच बाय 5 फीट की हमने टॉयलेट बनाई हुई है। बात करें इसमें वेंटिलेशन की तो उसके लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम पर, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। ये हमारा थर्ड बेडरूम का डोर है, इससे करते हैं एंट्री। इस बेडरूम का हमने साइज़ दिया है 13 फीट बाय 15 फीट 7 इंच का। हमने ये बेडरूम बनाया हुआ है और इसमें हमने 2 अलमीरा दी हुई है। एक अलमीरा 2 फीट की ये रही और दूसरी अलमीरा 2 फीट की ये रही और इसी से एक डोर जाता है टॉयलेट में। एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पर 9 फीट बाय 5 फीट की टॉयलेट भी बना दी है और इसी के साथ हमने वेंटिलेशन के लिए यहाँ से टॉयलेट का अरेंजमेंट कर दिया है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी है 5 फीट की ताकि यहाँ से फुल बेडरूम का वेंटिलेशन होता रहे। तो 45x48 के प्लान में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच हो रही है तो आप इससे कुछ आइडियाज दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफिल करके 48 आवर्स में सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।